पार्टियों और मुख्तफों को लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं जिस तरह हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंज़ीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और, और मदरसे और मस्जिद मनहदिम कर दी जाती है इन तमाम चीज़ों से कैसे नब्दाज़मा हो, झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है गिरफ्तार कर लेना और बात है झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है लेकिन उसको टेरस से जोड़ देना ए टी एस का की मदाखलत इस कस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं इन तमाम बे बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों में नहीं गैर मुस्लिमों भी में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इन शेषव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां दी जाएंगी दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब ये कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता वो देशद्रोही है उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए दे दे। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं ज़बरदस्ती मस्जिदें छीन लेना ज़बरदस्ती हमें जद करना लिंचिंग करना ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान हैं गद्दार हैं हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं ये तमाम मुतहद होकर एक प्लेटफार्म तैयार मुतहद महज बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा सोलह या बीस तारीख़ को इनशा तो तो अगली मीटिंग है हमारी उसमें एस सी एस टी ओ बी सी और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मतहद महाज बना कर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी मत हराओ हमें अपने आप को जिताना है अपने लोगों को जिताना है तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इन बार मुतहिद रहेंगे और मुतफ़ रहेंगे अगर एस सी एस टी ओ बी सी वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुतहद महाज बनने जा रहा है और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से आरएसएस की बेईमानियों से खफा है भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही हुकूमत आपने करनी है भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है हम अपना मुतह महाज बना रहे हैं आप लोग आइए हमारा साथ दीजिए हुकूमत आप करना लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं आपने मुसलमानों के साथ सौतीला व्यवहार हमेशा किया है अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है हमें हिस्सेदारी चाहिए हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा जो तैयार होगा उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजिशन में हैं इनशाला अगली मीटिंग में बाकी चीज़ें बाकी चीज़ों का खुलासा होगा अभी कल हमारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत बरेली से होने जा रही है और इसके बाद दूसरे सूबों में भी शुरू किया जाएगा सरवर चिश्ती साहब मुफ्ती सलमान सज्जादा नशीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है इसमें हमें बड़ा खेद है अफसोस है और ए टी एस जो इसमें हुआ है बीच में मदाखलत की है इस ये भी बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है और महरूली में जो दरगाहें मदारस कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रेयर नोटिस के और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है हमें बड़ा अफसोस है आज की तारीख में किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस किस्म का रवैया देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारत में देखने को मिल रहा है कल जो तोी रजा खां साहब बरेली में गिरफ़्तारी देने जा रहे हैं हम सब की हिमायत उनके साथ शामिल हाल है अपना हिंदुत्व अपना मजहब ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मर्त बनाया जा रहा है इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है आप अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं नकाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है नसाब तलीम में बदलाव की बात की जा रही है ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ़ हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार है लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है देखिए ये मैं यही कहूँगा कि माना तो रजा का बहुत ही बहुत अहम स्टेप है ये हमारे मुल्क के संविधान के हिसाब से जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए आर्टिकल नाइनटीन के जरिए उसका भी सबसे अच्छा तरीका पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ़्तारी देना तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने मैं इसकी तायद भी करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ सभी क्योंकि हम सब मजलूम हैं शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब ओ बी सी और सिख क्रिश्चन बौद्ध ये सभी इस देश में मज़लूम हैं तो इसलिए ये जॉइंट महाज बना के हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मनुस्मृति लागू करने की उसके खिलाफ हम अपने साथ जो हम सब एक ही हैं एस सी एस और माइनॉरिटीज़ के लोग हम अपनी लाइन लंबी करें हम हराने के लिए नहीं अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संविधानिक रास्ते जो हैं जिसमें एक अदालत भी है जो आज कल जो दबाव में नज़र आती है जो सुप्रीम कोर्ट के चार सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटीज़ अपने हर मसले का हल गिरफ़्तारी देके करेंगे ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट एस सी एस टी ओ बी सी के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आएँ जॉइंट प्रोग्राम करेंगे मैं मौलाना उबैदल आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी एक मिनट आराम और मशाइ से रबता करने और उनसे बातचीत करने की ज़िम्मेदारी और उनको इस आ, के लिए आमादा करने की जिम्मेदारी हज़रत मौलाना उबैदल्ला को सपुद की गई है आपने चश्ती साहब तो मियाँ और पराचा साहब की बातें सुन ही ली हैं आज की मीटिंग में बस ये बात तय की गई है कि बिना गिरफ़्तारी के कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है अलग अलग से लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है जब इस कौम को गिरफ़्तार ही करना है इसको जेल में डालना ही मकसद है तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाले हम सब के सब चलेंगे जेल तो पहली बात यह है कि अब इस कौम के लोगों को या किसी भी हिंदुस्तान के मजलूम को अगर इस तरह से गिरफ़्तार किया जाता है और बगैर किसी सबूत के हरासा और परीक्षण किया जाता है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनके हौसलों को न टूटने दें कि भाई आप हक की राह पे लगे रहिए आपके साथ साथ हम हैं गिरफ़्तारी की ज़रूरत हुई गिरफ़्तार और अब महसूस हो रहा है कि बिना गिरफ़्तारी के काम नहीं चलने वाला है और एक सामूहिक गिरफ्तारी का रास्ता निकालना है और इस बात की भी कोशिश करना है कि ये काम इतने पीसफुल तरीके से हो कि दुश्मन अनासर उसमें आ, अपना काम करने में कामयाबी ना हासिल कर लें इसलिए कल तो मियाँ साहब जो गिरफ़्तारी देने जा रहे हैं हम लोग उसकी भरपूर हमायत करते हैं और आगे इस्टेप बाई स्टेप, स्टेप भी जैसे भी गिरफ़्तारियों की ज़रूरत पड़ेगी हालात जैसे हमसे मुतालबा करेंगे हमारे मकासद की बरारी के लिए वैसे इकदाम होंगे अगली मीटिंग है आपने बताया है ही कि आगे होगी मजीद सब लोगों को जोड़ेंगे अभी सरदस्त यह है कि कल की गिरफ्तारी और उसकी हिमायत आज एक मतहदा फैसला है अभी हम सभी ने फैसला लिया है जो भी सामाजिक सियासी और मजहबी जो कायदी हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने आज मत मिल कर के ये फ़ैसला लिया है कि हम लोग सभी मिल कर के एक महाज बनाएंगे और समाज में चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दबे कुचले दलित पिछड़े समाज हो उन सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उन सबके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हम उसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे संघर्ष करेंगे और साथ ही जो अभी तक जो अभी मुस्लिम समाज ख़ास तौर पर भाजपा को हराने के लिए वो काम कर रहा था उसको छोड़ करके हम खुद अपने को जीतने के लिए और ख़ुद हिस्सेदारी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे और इसके लिए जो अभी हमारे साथी जो नहीं आए हैं नहीं आज इकट्ठा हो सके हैं हम उन्हें भी बुलाएंगे साथ लेने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस महाज़ को लेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो भी आज सियासी गठबंधन हो रहा है हम लोग उनसे भी रबता कायम करके उनसे भी हिस्सेदारी की बात हम लोग करेंगे अगर वह मिल जाता है तो ठीक है वरना हम लोग अपने तयी से मुतहद होकर के हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना करके इस महाज को ले कर चलेंगे और हम लोग आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे को पूरे इंडिया के अंदर उसमें अलग अलग जो मजहबी लीडर्स हैं और सियासी लीडर्स हैं पार्टीज़ हैं उनको हज़रत तो साहब ने दावत दी और उसी दावत पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह से जो हालात बना दिए हैं हर दिन कुछ ना कुछ चिपल तलाक से लेके यूसीसी से लेके और एनआरसी वगैरह से लेकर अभी आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें और भी ये लोग एक अलग अंदाज में जा रहे हैं देश की जो संस्कृति है विभिन्नता में एकता ये लोग पूरा अलग ही एक सबको एक रंग में रखना चाहते हैं जबकि देश पूरे रंगों को यहाँ पर पूरे रंग में रहा है तो ये जो अब एक महाज के बारे में जो बात हुई है कि एक तो हम लोग सबसे पहले जो भी मुद्दे हैं ख़ासतौर पर मुस्लिम्स के और जो माइनरिटीज़ के और जो एस सी एस पर जिन पर भी जुल्म ज़्यादतें हो रही हैं उनको हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे एक आदमी नहीं है हम वी आर यूनाइट वी आर इंडियन सो उस वहाँ पर यह नहीं है कि एक आदमी को अगर एक सत्ता मिल गई है तो वो उसको तानाशाह बना दे हमारे संविधान और लोकतंत्र को एक तरफ कर दे तो मेन मुद्दे ये हुए हैं कि हम लोग जो लोकल इश्यूज़ हैं जो यहाँ देश में जिस तरीके से ये खराब करने की कोशिश की जा रही है पूरे विश्व के अंदर आज हमारी छवि धूमिल हो चुकी है मीडिया का क्या हाल है ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है यू में भी पूरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया है वो सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को लेकिन आएगा देश में तो देश को जागरूक करके उनको ये सही मुद्दों के सामने कि नहीं अगर आपने मुस्लिम्स को अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम्स के जो यहाँ एज ए इंडियन उनके जो राइट्स हैं उसको वो खुद लेगा इसी तरह से हर जाति समाज के लोग जिन पर जुब्जातियाँ हो रही हैं वो लोग आगे आएंगे क्योंकि ट्राइबल्स की भी बहुत बुरी हालत है ये एक चीज़ हमारी हुई है साथ ही साथ हर एक जो धर्म गुरु हैं अलग अलग मुस्लिम्स के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ के हैं और एस सी एस के भी अपने अपने रिचुअल्स हैं और उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं तो वो लोग ब्रिज का काम करेंगे वो भी साथ में आएंगे और साथ ही साथ दिगर पार्टीज़ को लेकर हम लोग ये लड़ाई जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है खास तौर पर ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये हर एक को अलग एक रंग देना चाहती है और हम हर रंग के साथ मिलकर एक रंग में इस देश को लेकर आना चाहते हैं जो सब रंग में है उनकी तरह एक रंग नहीं कि एक ही रंग देश का होगा तमाम रंग एक से हैं एक समान हैं ये हमारे आज मेन मुद्दे रहे हैं इसमें आपसे हम चाहेंगे कि आगे भी आप सभी सहयोग करें योगदान करें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद मुद्दे एक है अलग 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 अलग, अलग नदियाँ मिलके समुद्र में जाती हैं सबको समुद्र में जाना है मुद्दे एक हैं हमें अल्टीमेटली सबको एक ही होना है मुद्दा एक है संविधान बचाना है देश बचाना है लोकतंत्र बचाना है बाकी सबको इंसाफ सबको मिल जाए ऐसी अब धीरे धीरे करके सब आएंगे ना मुद्दा एक संविधान बचाना है देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है सबका मुद्दा यही है और इसी मुद्दे से सबके समस्याओं का हल हो जाए राजा है चुनाव लड़ने की बात दीगर है पहले हम लोगों में विश्वास जिताना चाहते हैं कि ये एक पहल है बहादुरी वाली बिना डरे संविधानिक पीसफुल रास्ता जो सबसे अच्छा है गिरफ्तारी देने का मसाइल तो मैं आपको गिनवाने लग जाऊंगा तो आप ईमानदार पत्रकार हो मुझे यहाँ से 24 घंटे सिर्फ आपको मसाइल गिनाने में लग जाएंगे तो मसाइल ईवीएम का भी मसाइल है मसाइल रिजर्वेशन का मसाइल है मैं मसाइल नहीं गिनाना चाहता आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए काम शुरू कर दिया हर मसला आसान हो जाएगा हम गिरफ्तारी देने का ऐलान करने यहाँ से आए मेन मुद्दा ये है और जिसमें एस सी एस और माइनॉरिटीज़ के लोग सब साथ हैं और कल मैं छोटू भाई वसावा साहब ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है वडोदरा में मैं वहाँ जा रहा हूँ छोटू भाई वसावा साहब जो ट्राइबल लीडर हैं देश के इतने बड़े उन्होंने सबको इकट्ठा किया है कल मैं वहाँ जा रहा हूँ जो आज मेरी इस मीटिंग में मौलाना ने और बाकी दीगर लोगों ने जिम्मेदारी लगाई है उसकी पहल उसकी पहल करने के लिए कल ही में छोटू भाई वसावा की मीटिंग में वडोडरा जा रहा हूँ सारे ट्राइबल सारे कास्ट सारे ओ सिख क्रिश्चन बौद्ध और बाकी जो लोग हैं संविधान पसंद वो सब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे सब गिरफ्तारी देंगे पूरा देश गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पे आने वाला देंगे, देंगे, ईमान वाला, बहादुरी वाला कर, दिया, कर दिया अब हो सकता है एक भी आदमी ना आए और हो सकता है लाखों आदमी आए कोशिश तो ये हो रही है सरकार द्वारा कल उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी डर जाएंगे क्या ऐसे कैसी बात करते मतलब आर का कुछ आज मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है तो अब कल पता लगेगा पूरी ताकत लगा रखी है प्रशासन ने इस वक्त एक एक आदमी के घर पे दस दस आदमी छोड़ रखे हैं पुलिस के एल आई यू के कल कोई अपने घर से बाहर ना निकले वो कल पता लगेगा कितने लोग गिरफ्तारी देंगे है कि अब गिरफ्तारी देना सबका तरीका है संविधानिक हर अपना मसला हल पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और गिरफ्तारी देके हल किया जाएगा संविधान गिरफ्तारी देके बचाया जाएगा गिरफ्तारी देने से आपको ये है कि पराचा साहब ये भी 800 साल, 600 साल, साल सिर्फ ही तो बचाना है संविधान के रास्ते पे सबको चलाना है गिरफ्तारी हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई किसी की मस्जिद गुरुद्वारा या बौद्ध विहार बचा लो चर्च बचा लो ये नहीं कह रहे हैं हम वाल्मीकि मंदिर बचा लो जो रविदास मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो बचा लो हम ये कह ही नहीं रहे हम ये कह रहे हैं सिर्फ संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा ना सुप्रीम कोर्ट संविधान के बाहर जाएगा ना पार्लियामेंट जाएगी संविधान के बाहर ना इलेक्शन कमीशन जाएगा ना सीबीआई ना ईडी जो रेड्स कर रही है अभी ये सब क्रिमिनल्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे संविधान तोड़ के एक्ट नहीं करेंगे सब संविधान के रास्ते पर चलेंगे और उसका सबसे अच्छा रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है गिरफ्तारी देने का जो अब मौलाना ने शुरुआत की की लेकिन सर बात हमारे देश में लगातार होती आई है बीजेपी करती रही है हो जाएंगे, जाएंगे। बात, बात अस्सी बीस की है ही नहीं ना अठासी बारह की है अभी बिहार में क्या निकल के आया है अट्ठासी बीस की बात है आप अस्सी बीस उनकी बात मत कीजिए असली लड़ाई अट्ठा अट्ठासी बारह की है जो बिहार के सेंसस में निकल के आया है एससी एस टी ओ और माइनॉरिटी के लोग अट्ठासी परसेंट है हम ये कह रहे हैं कि उनका अट्ठासी परसेंट हिस्सा जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले से नौकरियों में नौकरियों में बिजनेस में जमीनों में पानी में खेतों में जमीन से लेके आसमान तक जितने जितने हमारे संप्रदाय हैं सब बराबर के बांट दो अट्ठासी परसेंट वालों को अट्ठासी परसेंट को दे दो बारह परसेंट वालों को बारह परसेंट करें हम अपनी कुर्बानियों से समाज से हम क्या कह रहे हैं हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है हम गिरफ्तारी का रास्ता हम लाठी खाने का रास्ता हम सिर्फ तकरीर करने का रास्ता नहीं यही तो फर्क है हम में और जो हम चाहते हैं बाकी सब लोग भी इस रास्ते पे चलें

तो टाइम बहुत है अभी ये अगर बताइए मुझे आप अगर एक करोड़ लोग मुल्क में एस सी एस टी ओ बी सी के गिरफ्तारी दे दें तो हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी आपने किसान आंदोलन के बाद नहीं देखा आपने सी एन आर सी के आंदोलन के बाद नहीं देखा आज तक सी ए सरकार लागू नहीं करा पाई आपने दो हज़ार अट्ठारह का दो अप्रैल का दो वो एजुटेशन नहीं देखा एस सी एस टी एक्ट बचाने के लिए आपने जो सेवनटीन पॉइंट रोस्टर है उसका एजुटेशन नहीं देखा आपने ये सब सरकारें जो हैं हमारी नौकर हैं देश की जनता की नौकर है प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की जनता के नौकर हैं इलेक्शन कमीशन देश की जनता के नौकर हैं ये नौकर जब मालिक आ जाएंगे ना अपनी अपनी सही रास्ते पे संवैधानिक ये नौकर एकदम सर झुकाएंगे संविधान के सामने सर झुकाएंगे और हमारे सारे हकूक हमारे सामने ला के रखेंगे हमारी डिमांड्स तो संविधान बचाना अभी तो बताया आपको संविधान के हिसाब से सब संस्थाएं चलेंगी और कोई डिमांड नहीं है जो संविधान तोड़ेगा उसको हम लोग तो खुद जेल जा रहे हैं चल के हम उसको संविधान और कानून के माध्यम से हाथ पकड़ के हथकड़ी लगा के जेल में भेजेंगे चाहे वो कोई हो प्रधानमंत्री हो या नीचे छोटे से छोटा पटवारी